सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हाय गाइस, टीएनजी रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कंफर्म्ड अपकमिंग डिवाइसेस के बारे में जो कि 8 सितंबर से 15 सितंबर तक आने वाले हैं। ये बेसिकली हमारा एप्पल वीक होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हमारे आईफोन लॉन्च होंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलजी क्यू स्टाइलस प्लस की, जो कि हमारा 21,000 रुपए का डिवाइस है और इसके अंदर आपको एक स्टाइलस मिलता है जो कि आपका एस पेन की तरह वर्क करेगा। अब आप कहेंगे कि 21,000 रुपए का एलजी का डिवाइस है तो इसमें क्या खास बात है। इसके अंदर आपको IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है और उसके साथ ये डिवाइस आपका मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड टेस्ट पास है। मतलब कि अगर आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो जमीन पे गिरे, पानी में गिरे या कुछ भी उसके ऊपर हो तो उसमें दिक्कत कोई ना आए तो ये डिवाइस आपके लिए बेस्ट रहेगा, या फिर LG Q7। इसके बाकी के फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर में मीडियाटेक 6750 का प्रोसेसर मिलता है, उसके साथ मेली T860 के ग्राफिक्स, साथ में 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी, बैक में सिंगल कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया है बैक में, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है सेल्फी वाला और 3300mAh की बैटरी दी है। फ्रंट में आपको 6.2 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर आपको 18:9 स्क्रीन रेशियो मिलती है, नॉच नहीं मिलती। भाई एलजी की मर्जी, नहीं देता नॉच वो। वैसे ये आपको मिलेगा नहीं क्योंकि अभी एलजी के पिछले हफ्ते 2 डिवाइसेस लॉन्च हुए थे और उनको मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। मतलब मेरे को आपके लिए उसकी अनबॉक्सिंग करनी है, उसी के लिए नहीं मिल रहे हैं। अगर एलजी की मार्केटिंग टीम से कोई भी देख रहा है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें बताएं कि ये डिवाइस कहाँ मिल रहा है ताकि हम उनको खरीद सके और अपने व्यूअर्स के साथ उनकी अनबॉक्सिंग शेयर तो कर सके। अब अगर हम 10 सितंबर की बात करें तो उस दिन आने वाला है मोटोरोला की तरफ से मोटो G6 प्लस। नहीं, मैंने पावर 1 नहीं कहा, मैंने P30 भी नहीं कहा, वो दोनों तो अभी 2 महीने बाद आएंगे, बाहर आ गए हैं अभी 2 महीने बाद आते हैं वो इंडिया में। मैं बात कर रही हूँ मोटो G6 प्लस की जो कि 2-3 महीने पहले बाहर आया था, अब इंडिया में आ रहा है। और अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो जो आप पावर 1 और P30 प्लस सोच रहे हो शायद वो भी आपको शायद जल्दी मिल जाए, लेकिन अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो। वैसे मोटो G6 प्लस के अंदर एक ट्विस्ट किया गया है। बाहर के देश में तो आपको उसके अंदर स्नैपड्रैगन 630 का प्रोसेसर मिलता था, लेकिन इंडिया में हो सकता है कि आपको स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिल जाए और इस डिवाइस का प्राइस 22,000 से 23,000 रुपए की रेंज में रखा जाएगा। वैसे तो इस रेंज में अभी जो कॉम्पिटिशन चल रहा है उस हिसाब से 660 तो देना ही पड़ेगा अगर आपको डिवाइस को रन करना है तो। इसके बाकी के स्पेक्स की अगर मैं बात करूं तो हमें इसके अंदर ग्लास बॉडी मिलती है और फ्रंट में हमें 5.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है और फिर से इसके अंदर भी आपको कोई नॉच वॉच नहीं मिलेगी, इसके अंदर आपको 18:9 का फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा। साथ में आपको 12+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा LED फ्लैश के साथ, उसके साथ 3200mAh की बैटरी मिलेगी, टर्बो चार्जर मिलेगा इनका जो कि बढ़िया चार्जर होता है और उसके साथ 6GB रैम, 64GB वाला वेरियंट मिलेगा आपको। देखते हैं कि जब ये डिवाइस आएगा तो एक्चुअल में ये कैसे परफॉर्म करता है और कैसे कंपटीशन दे पाता है अपनी इस रेंज में। अब हमारे शॉमी के फैंस के लिए बढ़िया न्यूज, 10 तारीख को ही आपका रेडमी 6 आने वाला है, उसकी सेल स्टार्ट होगी और वो डिवाइस आपको सिर्फ 8,000 रुपए में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो 5.45 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर आपको 18:9 का डिस्प्ले मिलता है, साथ में हीलियस P22 का प्रोसेसर, 3GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी, 3000mAh की बैटरी, साथ में 12+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। 8,000 रुपए के बजट के हिसाब से काफी बढ़िया डिवाइस है, आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और वैसे 11 तारीख को आपके Redmi 6 Pro की भी सेल स्टार्ट हो रही है, वो हमारा नॉच वाला Redmi है, उसके अंदर आपको 5.84 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिलेगा, उसके साथ स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर, 4000mAh की बड़ी बैटरी, साथ में 12+5 का बैक कैमरा और 5 का ही फ्रंट कैमरा, ये थोड़ी गड़बड़ है वैसे। और उसके साथ तो 2 वेरिएंट आएंगे इसके, 3GB 32GB जो कि 11,000 का होगा और 4GB 64GB जो कि 13,000 का होगा। लेना है इसको तो आप ले सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी, आपका मन करे तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, मुझे तो लेना पड़ेगा ही क्योंकि मुझे तो इसकी अनबॉक्सिंग करनी है। लेकिन अगर आप इसमें सिर्फ 2,000 रुपए और मिलाएं तो आपको मिल जाएगा रेडमी नोट 5 प्रो जो कि कमाल का डिवाइस है, बेस्ट डिवाइस है और उसके अंदर तो आपको रेड कलर भी मिल जाता है, वो देखने में तो किलर नजर।
नजर आ रहा है। मैंने अभी उसके अनबॉक्सिंग में करी थी, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार देखिए डिवाइस को, मन खुश हो जाएगा। अब आते हैं 12 सितंबर में, जो कि इस महीने की सबसे ज्यादा धमाकेदार डेट है। उस डेट की सबसे बड़ी न्यूज ये है कि उस दिन मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे। अब उससे छोटी खबर ये है कि उस दिन आपके 3-4 आईफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। मैंने 3-4 इसलिए कहा क्योंकि आईफोन का कुछ पता नहीं क्या सरप्राइज दे दे। उस दिन आपके 3 आईफोन जो लॉन्च होने वाले हैं उनके नाम है iPhone XS, जो कि रिप्लेस करेगा iPhone X को। उसके बाद आता है हमारा iPhone XS Plus या फिर S Max, किस नाम से अभी पता नहीं है, और साथ ही आएगा iPhone 9। हो सकता है इसके अंदर आपको नॉर्मल नॉच वाला डिस्प्ले मिले, या फिर हो सकता है कि इसके अंदर आपको नॉच मिले ही नहीं। हो सकता है कि आपको आईफोन सरप्राइज कर दे और पूरा आपको अल्ट्रा व्यू, मतलब कि फुल व्यू स्क्रीन दे दे। अब क्या देगा ये तो हमें 12 तारीख को ही पता चलेगा। वैसे थोड़ी थोड़ी सी न्यूज हमारी कंफर्म है कि इसके अंदर आपको डिस्प्ले कैसा मिलेगा और आपको इसके अंदर प्राइस क्या मिलेगा। जैसे कि जो हमारा आईफोन 9 है उसके अंदर आपको नॉर्मल LCD मिलेगी, उनका जो रेटिनल डिस्प्ले होता है वो नहीं मिलेगा, और ना ही आपको इसके अंदर टच आईडी मिलेगी, बल्कि आपको फेस आईडी मिलेगी। और ये डिवाइस आपका 50,000 रुपए के आसपास रखा जाएगा। इसके बाद जो हमारे 10S और 10S Plus आते हैं, उन दोनों के अंदर आपको OLED डिस्प्ले मिलेगा। 10S आपका 75,000 के आसपास रखा जाएगा, और जो हमारा 10S Plus है, जो कि मैक्स के नाम से भी आ सकता है, वो आपको 90,000 के आसपास मिलेगा। वैसे तीनों ही डिवाइसेस के अंदर आपको ग्लास बॉडी देखने को मिलेगी, और ये आपके वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट भी करेंगे। तो जो हमारे आईफोन के फैंस हैं वो वेट करें, बस 12 तारीख आने ही वाली है। और साथ ही जो मैंने आपको 3-4 आईफोन बोले, उसका रीजन ये था कि जो हमारा SE 2 था, शायद वो भी लॉन्च होने वाला है इसी 12 तारीख को, पता चल जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं रह गया। अब आईफोन से छोटी एक और खबर है जो कि हमारे 12 तारीख को ही आती है, कि जो आपका Vivo V11 Pro है उसकी सेल स्टार्ट हो रही है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसकी प्री बुकिंग के लिए काफी बढ़िया बढ़िया ऑफर्स आई हुई है, तो आप उसको एक बार जरूर देखें। अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिलता है, उसके साथ 6.41 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन में, उसके साथ 3400 mAh की बैटरी मिलती है फास्ट चार्जिंग के साथ, साथ में 6GB 64GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा। कैमरा की बात करूं तो 12+5 मेगापिक्सल कैमरा बैक में, और 25 मेगापिक्सल का AI कैमरा जो कि कमाल की सेल्फीज लेता है फ्रंट में, और आपको इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। तो ये कमाल का डिवाइस आप ले सकते हैं, 12 तारीख से इसकी सेल स्टार्ट है। अब हम अपनी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, 14 सितंबर की, जिस दिन हमारा Honor 7S आने वाला है, जो कि बजट सेगमेंट का डिवाइस है, 7,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको 5.45 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, उसके साथ 13+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है आपको बैक में, और 5 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट पे। अब ये हुई नाइंसाफी, क्योंकि इसका जो चाइना में वेरिएंट आया था उसके अंदर आपको 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा था, लेकिन हम इंडिया उसका फोटो खींच के क्या फायदा, हमें मिल रहा है 5 मेगापिक्सल। उसके साथ आपको मीडियाटेक 6739 का प्रोसेसर मिलता है, 3020 mAh की बैटरी मिलती है, और 2GB RAM 16GB इंटरनल मेमोरी। बजट रेंज का डिवाइस इस हिसाब से ठीक ही लग रहा है। वैसे इस बजट में हमारे पास अब काफी सारे डिवाइसेस आ गए हैं, वैसे आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, 14 तारीख को ये आ जाएगा। सो गाइस, ये थी हमारी कंफर्म्ड लिस्ट। मैं ट्राई करूंगी कि सबकी अनबॉक्सिंग जल्द से जल्द इस चैनल पे आपको लाके दूं, और साथ ही अगले हफ्ते की कंफर्म लिस्ट भी मैं लेके जल्द आऊंगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इन वीडियोस को मिस ना कर दें। अभी के लिए बाय।